One of the very important and interesting distributions which is used in modeling and simulation is the uniform distribution. So let us also look at this distribution. Remember this thing, ki isi uniform distribution ka ek aur bhi naam hai, and that's called the rectangular distribution. Uniform distribution jo hai wo discrete nahi hai, it is a continuous distribution. और इसका मतलब है कि एक सर्टन रेंज ऑफ वैल्यूज को लेती है और गिर देती है. इसका जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमेशा एक रैंडम वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट करता है जो 0 और 1 की रेंज में आता है. एफ ऑफ एक्स इज ईदर 1 ओवर बी माइनस ए. अगर ए इज लेस देन और इक्वल टू एक्स विच इज लेस देन इक्वल टू बी, अदरवाइज इस वैल्यू इज 0. अगर आप एक रैंडम वेरिएबल x को लेते हैं और उसको इंटरवल दे देते हैं a और b में, और अगर आप कहते हैं कि ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन यानी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, देन इसकी इक्वेशन हम इस तरह निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू a प्लस a चूंकि लोअर है b माइनस a इंटू r. इसकी मतलब क्या है इसका? इसका अगर डेरिवेटिव की बात करें तो, और हमने इसका CDF निकालना है, तो यहां पे f ऑफ x इक्वल टू r यानी ऑन द रेंज ऑफ x f ऑफ x की ये वैल्यू निकलती है, और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं f ऑफ x को इन टर्म्स ऑफ r फॉर x. सो अगर पहली स्टेप होगी CDF अगर हमने निकालनी हुई, f ऑफ x इक्वल टू 0 x या 1, इट इज 0 व्हेन x इज लेस देन 0, इट इज x व्हेन x इज बिटवीन 0 एंड 1 बट नॉट बट लेस देन 1, 1 if it is greater than or equal to 1. On the other hand, x takes only discrete values 0 and 1. So f of x is equal to 0 agar x is less than 0, 1 by 2 if it is 0 but less than 1, and 1 if x is greater than or equal to 1. Step 2 iski ye hai ki hum f of x ko देखें, इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी यानी दोनों की वैल्यूज इंटू आर. एंड द थर्ड स्टेप इज हम एक्स को सॉल्व करें इन टर्म्स ऑफ आर, वी सी एक्स इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटू आर. सो वी हैव लुक्ड एट द फंडामेंटल्स ऑफ द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन विच इज अ कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन इन कंट्रास्ट टू अदर डिस्ट्रीब्यूशन दैट वी हैव स्टडीड.